सबसे पहले चाहिए हमको नाप, ये है नाप, जिसमें छाती 38 है, इसकी कमर 34.5 है, लेकिन हमने जो कटिंग की है वो 35 के हिसाब से की है। नाप जरूर लेते हैं हम, क्योंकि वहां पे चेस्ट का निशान आता है, तो स्टेप नापिंग की 10 है। और बंद गला बनाने के लिए बाय चांस मान लो कि से बंद गला बनाना है, तो गले का भी नाप लेते हैं, वो है 15.5 इंच, आर्म होल है 19 इंच, ठीक है। और तीरा है इनका 15 इंच है, मैंने लिखा नहीं लेकिन मुझे याद है। उसके लिए चाहिए हमको कपड़ा, और सामान क्या क्या चाहिए इसमें, इंची टेप है, स्केल है, चौक है, ये चाहिए। और कुर्ते के अंदर जो ये टर्न लिए हुए होता है, इसकी जरूरत मुझे तो नहीं होती है, बाकी बहुत से लोग इसको भी यूज करते हैं। और कैंची है, ये चीज कंपलसरी है। और सिंथेटिक कपड़ा है बाय चांस मान लो, तो सिंथेटिक कपड़े में लगाने के लिए हमको इस टाइप की ऑल पिन चाहिए, इस टाइप की हो या सिंपल ऑल पिन हो, कोई भी हो, अटैच करने के लिए वो चाहिए। और अब मैं बताती हूँ इसकी कटिंग आप लोगों को। हेलो एवरीवन, जो डिजाइन वाला कपड़ा है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है बॉर्डर के ऊपर, कपड़ा ऊपर नीचे चाहे कितना भी जाए, हमको ये डिजाइन मिलाना है दोनों पार्टों का, दोनों पार्ट इकट्ठे रखे हैं, ये लाइन से लाइन मिलाकर हम इसको सेट करते हैं पहले। अब इसके ड्राफ्ट लगाना शुरू करते। देखिए, ये कैमरा मैंने चौड़ाई में किया है, तो इसलिए पीछे का भाग आपको पतला दिख रहा होगा और इधर का ये चौड़ा दिख रहा होगा। तो तीरा है इसका 15 इंच, कंधे ना लटके इसलिए हम इसको 7.5 ही रखेंगे, और आर्म होल 19.5, 8 इंच मुड्डा लंबाई रखेंगे, 8 इंच मुड्डा लंबाई रखनी है। और इधर से सबका तरीका अलग अलग होता है, कोई 2 इंच पहले ही जोड़ लेता है, 38 छाती जैसे, तो 2 जोड़ लो 40 हो जाए, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। छाती का चौथा प्लस 2 इंच हमको कपड़ा रखना है। इधर से पहले तीरा, तीरे का आधा रख लिया, मुड्डा लंबाई रख ली 8 इंच। वैसे नॉर्मली अगर 32 छाती तक होता तो हम रखते हैं छाती का चौथा माइनस 1.5 इंच, लेकिन 40 छाती के बाद जैसे ब्लाउज है तो ब्लाउज में 7 इंच से ज्यादा मुड्ढा नहीं रखते हैं मुड्ढा लंबाई। तो यहाँ लेंगे छाती का चौथा प्लस 2 इंच, तो छाती का चौथा होगा हमारा 9.5, 38 छाती के हिसाब से 2 होगा 11.5, ये 11.5 पे मैं निशान लगा दूंगी। कमर है हमारी 14 लंबाई है और 34.5 कमर की गोलाई है, मतलब देखिए अगर आपको प्लेन कपड़े का बनाना है तो हम कपड़े की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो समझ लीजिए। अगर हमको फिटिंग वाला सूट बनाना है तो या तो आप ले लो हिप का चौथा, जितना हमारा हिप है, प्लस 2 इंच कर लो उसमें, उसे पूरा आ जाएगा, या फिर ले ले छाती का चौथा प्लस 3 इंच कपड़ा, ताकि साइड से कपड़ा बच जाए और प्लेन कपड़े में है। लेकिन ये बिल्कुल सेट है कपड़ा और प्रिंट में आया है, तो इसका हम नाप ऐसे ही लगाएंगे। ये तीरा ले लिया है मैंने 7.5, इसमें प्लस नहीं किया कुछ भी, क्योंकि जिसका भी मैं ये कुर्ता बना रही हूँ उनके कंधे थोड़े है झुके हुए हैं, अगर मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी तो कंधे के ऊपर तीरा रहना चाहिए, ना कि ढलके हुए रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने 7.5 ही रखा है। मुड्ढा लंबाई लिया इसमें 8 इंच, नॉर्मली हम लेते हैं छाती का चौथा माइनस 1.5 इंच, लेकिन कुर्ते में 8 इंच और ब्लाउज में 7 इंच से ज्यादा नहीं रखते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहां से बैक के हिस्से में 1.5 इंच छोड़ दो आप, और फिर ये गोलाई में निशान लगा दो। आर्म होल है हमारा 19.5 इंच है, 1.5 इंच का ऊपर शेप जाएगा, इधर जाएगा ये नाप लो ऐसे, आगे का हिस्सा कट के ये बराबर बैठ जाएगा हमारा। और ये लिया स्टेप नाप 10 इंच था, तो प्लस क्योंकि ऊपर से कटेगा सिलाई जाएगी, तो 0.5 इंच नीचे लग के 10.5 पे ये निशान लगाया है, जहाँ ब्रेस्ट का निशान आता है वो है ये। ये है कमर लंबाई है हमारी 14 इंच, और 35 कमर के हिसाब से रखा है, 34.5 लेकिन 35 के हिसाब से रखा है कमर का, तो ये ले लिया मैंने 11.5 इंच प्लस 2 करके 1/4 करके कमर का भी। और ये
ले लिया मैंने 11.5 इंच। अब जिनका पेट बड़ा है थोड़ा सा, पेट अंदर नहीं है बाहर की तरफ है, तो पेट का नाप भी ले लेना चाहिए, उसकी लंबाई का नाप भी लेना चाहिए। तो ये 17 लंबाई पे पेट आया है हमारा और पेट भी 38 इंच है, तो 17.5 पर ये निशान लगाकर मैंने ये चौड़ाई भी 11.5 इंच लग गई। मतलब छाती का चौथा प्लस दो, इधर भी छाती का चौथा प्लस दो, ये कमर का चौथा प्लस दो, इधर पेट का चौथा प्लस दो, और ये हिप का चौथा प्लस दो। 45 हमारे हिप है, तो 45 में हो गया 11.5 इंच। 11.5 प्लस दो करेंगे या एक रो मोड़ने के लिए तो ये कटिंग में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कपड़ा 12.5 इंच। तो यूं कहीं रख लेते हैं। अब लगाते हैं इनके निशान, यहां तक आया है देखिए 11.5 इंच हमारा। अब इन सब निशानों को हम आप या तो इससे, आपके पास ये है तो उससे मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये सिर्फ ये मिला देंगे इसको। गला इसका कट नहीं करेंगे क्योंकि गला इसका तैयार है और गले में पट्टी लगा के करेंगे। गला इसका 2.5 इंच का बैठ रहा है, तो 2.5 इंच तक हम ये 1.25 इंच का शेप दे देंगे और इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा गोलाई में शेप दे दें ये ऐसे। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये चीज बराबर करते हैं, नीचे कपड़ा पीछे वाले भाग का थोड़ा बड़ा है, सॉरी आगे वाले का, तो उसको कट कर लेते हैं। अब देखिए मुझे थोड़ी ही दिक्कत आती है इसलिए कि मैं कैमरा भी खुद सेट करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता क्या दिख रहा क्या नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये निशान भी कम दिखते हैं कई बार दूर से। कोई अगर वीडियो दूसरी बनाने वाला हो तो आराम से दिखा सकता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसको ऐसे करके दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं मोड़ के। सबसे पहले ये कपड़ा बराबर करते हैं। इसको छोड़ेंगे यूं ही, ये यहां से लेते हैं, थोड़ा सा भारी काटे कपड़े को, ये पीछे के भाग की कटिंग हुई है, आगे की अलग होगी। ये 1.25 इंच का शेप दे देते हैं हम, जहां तक गला आएगा हमारा वहां तक ये हो गया है कटिंग। और अब देंगे, क्योंकि ये मैंने फ्रंट वाले भाग पे निशान इसलिए नहीं लगाए थे कि ये कपड़ा सीधा है और गला मैंने ये सेट कर रखा था। अब इसमें दे देते आगे की कटिंग, ये छोटा गला है तो ये कटिंग थोड़ी सी 1.25 इंच तक, 1 इंच तक दे देनी चाहिए। ये आगे कटिंग हो गई है, ये देखिए ये गला जब सिलाई करेंगे हम तभी कटिंग करेंगे, क्योंकि सेट है गला, पहले कटिंग नहीं करेंगे इसकी। इसके साथ साथ एक पाव की छोड़ के, एक पैर का निशान छोड़ के पूरे पे सिलाई करके फिर कटिंग करेंगे। ये है आस्तीन का कपड़ा। आस्तीन काटने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है। हम लेंगे इसमें, कोई लेता है पहले, मतलब छाती का 5वां हिस्सा ले लो, फिर उसके बाद अलग जोड़ जोड़ते हैं। मेरा इसमें सिलाई विलाई का सब है, मैंने ये छाती का चौथा ही रख लिया है, बाकी सिलाई में चला जाए कपड़ा। और ये चौड़ाई ले ली है मैंने 9.5 इंच, और जितनी ये चौड़ाई है उसका हाफ कर देंगे नीचे, 4.5 इंच में मैंने निशान लगा दिया है ये, क्योंकि 9.5 है, और 0.5 इंच ये करके इधर, और इसको हम, ये खुली तरफ है हमारा हिस्सा और ये बंद तरफ है, इस कोने तक ये कपड़ा इतना बड़ा है, बड़ा छोटा है, तो ये निशान मैंने लगा दिया है और नाप भी मैंने इधर से ही लिए हैं। ये तिरछा निशान जाएगा बिल्कुल। अब जो इसका बीच है, इसमें से ये
पौना इंच करीब ऊपर, और ये हमारी मोरी है इसमें 11 इंच, 11 प्लस 2 करके, सॉरी 11 का आधा प्लस 2 करके ये 7.5 इंच मैंने ले लिया है। और इसमें करेंगे अब निशान, ऐसे जाएगा ये, थोड़ा सा यहां से ऐसे, और ये आगे की कटिंग हम इतना ही नीचे से आधा इंच के करीब लेके आधे तक यू लाके और इसको यू मिला देंगे, पत्ते नुमा चेप दे देंगे हम इसको। ये आस्तीन बहुत ही अच्छी बैठती है, हालांकि मुझे पता है ये चौड़ी है थोड़ी सी आस्तीन, लेकिन बराबर जाएंगी ये कटने के बाद। अब इसको बराबर आए इसके लिए क्या करना है, बराबर करें इसको बिल्कुल, ताकि आस्तीन के अंदर कोई फर्क ना, इसको यू मोड़ लें। और ये कटिंग क्योंकि मुड़ने में आसानी रहती है, फिर इसको यू मोड़ के फिर कटिंग दें यहां से। फिर इसको इतना लेके कोना, ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब लेंगे यहीं से आगे की कटिंग, यहीं से लेंगे, ये कट गई हमारी आस्तीन। ये कुर्ते की कटिंग मैंने बताई है, और मैं सिलाई करते टाइम फिर आपको गले की और उसका बताऊंगी कैसे करता है वो। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। ये देखिए ये गला है ना, ये बाद में बनेगा, इसकी पट्टी कट के जब प्लाजो में से पट्टी निकालनी पड़ेगी इसकी। और ये है आस्तीन, बॉर्डर आ जाएगा, ये बैक का भाग है और ये आगे कटिंग है, और ऐसे इसमें कटिंग है। ये बैक के पार्ट की है और ये फ्रंट का पार्ट है। दोनों पार्ट कट कर हमारे हो गए हैं तैयार। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ समझ में नहीं आया हो, जो सीखना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये कपड़े सिलना। जो आप लगाते हैं फिटिंग के निशान, जो पहले ही प्लस दो कर लेते हैं वो फिटिंग का ही निशान होता है, और जिसको बहुत फिटिंग पहननी है एकदम टाइट, तो वो रखेगा फिटिंग के लिए जितनी 1/4 चौड़ाई आती है, कमर की हो चाहे चेस्ट की हो चाहे हिप की हो, तो वो रखेगा 1/4 इंच ज़्यादा। और हमें थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए, लूज चाहिए, तो हम 1/2 इंच बढ़कर करेंगे। तो ये है 9.5 प्लस 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, ये छाती के जगह पे भी 10 इंच पे निशान लगा दिया। कमर हमारी 35 है, तो 35 के हिसाब से हो गया इसका 9.5, तो ये हमने 9.25 पे निशान लगा दिया है। और पेट भी हमारा 38 है, तो ये लगा दिया हमने 10 इंच पे निशान। छाती का तो जहां की भी चौड़ाई होगी उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। और ये हिप है 45, तो ये हमने 45 का 11.5 पे निशान लगा दिया है, क्योंकि हिप पर हमको फिटिंग चाहिए। ये है हमारे फिटिंग के निशान। और सिलने से पहले यहां पे कट लगा लें, कट के निशान जरूर डाल लें आप। ये देखा, ये हो गया फिटिंग का निशान। तो पहले ही फिटिंग लगा लोगे तो आपके कपड़े में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी किसी तरह की भी, और एक ही सिलाई में बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी।